और पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम नीतीश से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से आती हुई, जहां पर मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। सीएम नीतीश के आवास पर ये मुलाकात, और इस साल दोनों की ये पहली मुलाकात है। ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम इस वक्त चल रहे हैं, इंडिया अलायंस को लेकर के बैठकों का दौर शुरू होने वाला है, उससे पहले सीएम नीतीश कुमार के आवास पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचते हैं और मुलाकात करते हुए नजर आए। सीएम हाउस में दोनों नेताओं की मुलाकात इस वक्त चलती हुई, तो सीएम नीतीश से मिलने के लिए तेजस्वी यादव उनके आवास पर पहुंच गए, और ये इस साल की यानी 2024 की ये पहली मुलाकात सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव की। हालांकि मुलाकात के पीछे, इस मुलाकात के तौर पर अब हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? मुलाकात अचानक से, डिप्टी सीएम का पहुंच जाना, मुलाकात करना, कल की वर्चुअल बैठक से पहले इस मुलाकात को अहम माना जाए? बिल्कुल, देखिए बिहार की सियासत में मुलाकात महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए साल के मौके पर भी इन दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हुई थी। आमतौर पर नीतीश कुमार हमेशा लालू प्रसाद यादव से मिलते रहे हैं, राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो, इन तमाम नेताओं से नीतीश कुमार मिलते रहे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से इन लोगों से नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं हुई थी, पूरे लालू यादव के परिवार से मुलाकात नहीं हुई थी। और नए साल के मौके पर भी 1 जनवरी को भी कई लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, और लेकिन उसमें लालू यादव के परिवार से कोई नहीं था और ना ही नीतीश कुमार वहां गए थे। और आज तेजस्वी यादव गया से लौटने के थोड़ी देर के बाद एक अन्य मार्ग पहुंचे हैं, जहां उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हो रही है। हालांकि मुलाकात का समय पहले सुबह ही तय हो चुका था कि जब गया से तेजस्वी यादव लौटेंगे तब उनकी मुलाकात होगी। कई विषयों पर चर्चा हो सकती है इस मुलाकात के दौरान, इंडिया गठबंधन की बैठक या फिर उसमें कोई निर्णय लिया जाना, सीट शेयरिंग के साथ साथ अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं इस मुलाकात में, क्योंकि इन दोनों नेताओं की मुलाकात महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर ही गए थे, लेकिन नए साल में इन दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हुई थी। आज इन दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है और देखना होगा कि यहाँ क्या बातचीत होती है। शैलेंद्र, कहीं ऐसे तो नहीं है कि जेडीयू अपनी अलग रैली कर रही है, इंडिया अलायंस से अलग उसकी अपनी रैलियां, उसके बाद कैंडिडेट को भी लेकर उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो जेडीयू की तरफ से सामने लाए जा रहे हैं जगहों पर, तो क्या इस बाबत भी बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, देखिए कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण है सीट शेयरिंग का मुद्दा। उसके अलावा जो इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, उस बैठक में क्या चीजें तय होंगी, या नीतीश कुमार को कोई जिम्मेवारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इस पर भी देश भर में चर्चा हो रही है। तो ऐसे परिस्थिति में जब तेजस्वी यादव उनसे मिलने गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो गंभीर मसले हैं, जो गठबंधन के बीच में जो गंभीर मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ही दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है। और बिहार की सियासत जिस तरीके से लगातार हाल के दिनों में बदली है, और उस बदलते हुए दौर में इन दोनों नेताओं की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। इस वक्त ये मुलाकात सीएम हाउस में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच चलती हुई, और ये माना जा रहा है कि सियासी तौर पर इस मुलाकात से सीट शेयरिंग को लेकर, साथ ही साथ संयोजक और अपने अपने कैंडिडेट को किन किन जगहों से उतारना है, इस पर भी ये चर्चा महत्वपूर्ण हो सकती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीधे उनके आवास पर पहुंचे।